हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स हाई। एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का चैप्टर। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दो पार्ट्स में अपलोड कर चुकी हूँ। ये बहुत ही डिटेल्ड चैप्टर है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए थोड़ा सा तीन पार्ट्स में से बनाया गया है। आप इसके बाकी के दो पार्ट्स देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में इसी की प्लेलिस्ट और जो लिंक है वो दिया है। हम लोग अभी तक प्लांट किंगडम तक कर चुके हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनिमेलिया के बारे में। एनिमेलिया शब्द अगर मैं कहूँ आपको, एग्जैक्टली एनिमल के लिए लिया गया है। और जब मैं एनिमल की बात करती हूँ तो आखिर एनिमल होते क्या हैं? एनिमल आप सबको पता है, जानवरों को कहा जाता है, लेकिन एनिमल के जो सेल होते हैं उन सब में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में बता चुकी हूँ। जिन सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं उनको यूकैरियोट्स बोलते हैं। इसके अलावा ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि एनिमल्स के अंदर ढेर सारे अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। तीसरी चीज़ इसकी आपको याद रखनी है, ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि ये खाना जो है, ये न्यूट्रिशन है, ये दूसरे से डिराइव करते हैं। इनका फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है इनके बॉडी डिज़ाइन के हिसाब से, और जब हम इनको क्लासिफाई करेंगे तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे पॉरीफेरा को। सो फर्स्ट है हमारा पॉरीफेरा। अब देखो मैं आपको कैसे वीडियो में ही ये सब कुछ लर्न करवाती हूँ। पॉरीफेरा का मतलब क्या होता है? पॉरीफेरा शब्द कुछ एनिमल्स के लिए यूज़ होता है जिन एनिमल्स की बॉडी में पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब क्या होता है? होल्स का होना। तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर पोर्स या होल्स होते हैं उनको बोलते हैं पॉरीफेरा। ये जो होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि ये मूवमेंट नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह ये नहीं जाते हैं। इन सब के अंदर एक कैनाल होती है, जैसे ये है, इसकी बॉडी के अंदर एक कैनाल होगी और इस कैनाल के अंदर वाटर सर्कुलेट होता रहेगा। अब जब पानी सर्कुलेट होगा या वाटर सर्कुलेट होगा तो जो फूड और ऑक्सीजन का मूवमेंट है वो पूरी बॉडी में आराम से हो सकता है। इसके अलावा जो बॉडी होती है पूरी, उसके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग होती है और बहुत ही कम डिफ्रेंसिएशन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन नहीं आपको दिखने को मिलेगी, बहुत ही सिंपल सा ऑर्गेनिज्म होता है। अगर आप इसका एग्जांपल लर्न करना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा जो पॉरीफेरा के केस में बोला जाता है, इन सारे ऑर्गेनिज़म्स को स्पॉन्जेस बोला जाता है और ज़्यादातर ये मरीन हैबिटेट यानी कि पानी में पाए जाते हैं। इसके बहुत अच्छे तीन एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे एग्ज़ाम के लिए। ये हैं यूप्लेक्टिलिया, ये वाला, इसके अलावा साइकॉन और स्पॉन्जिला। तो ये सारे स्पॉन्जेस हैं और इन सब के अंदर क्या है, कैविटी है, और ये एनिमेलिया का फर्स्ट था। नाउ लेट अस मूव टू सीलेंटेरेटा। सीलेंटेरेटा को निडेरिया या स्निडेरिया भी बोलते हैं, कई बुक्स में लिखा होता है, आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे और अगर डॉक्टर बनना चाहोगे तो 11th-12th में पक्का इसको पढ़ना पड़ेगा। तो यहीं पे इसका मीनिंग आज से आप याद रखिएगा। सीलेंटेरेटा शब्द आखिर बना क्यों? कुछ ऐसे एनिमल्स थे बच्चों जिन एनिमल्स के अंदर एक हॉलो कैविटी थी। हॉलो कैविटी, हॉलो मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, एक खाली कैविटी। अब आप कहोगे मैम अभी तो आप बोल रही थी इसके अंदर भी कैविटी है जो पॉरीफेरा, लेकिन इनके अंदर हॉलो कैविटी नहीं है, इसके अंदर वाटर सर्कुलेट कर रहा है। अब सीलेंटेरेटा में ऐसे एनिमल्स हमने कैटेगरी में डाले जो पानी में रहते थे, जिनका बॉडी डिज़ाइन ज़्यादा डिफाइंड था, ज़्यादा अच्छे से डिफरेंशिएशन था, यानी कि बॉडी के कुछ पार्ट्स भी थे। आपने जब यहाँ पर देखा पॉरीफेरा में कुछ खास बॉडी के पार्ट्स आपको नहीं दिख रहे, स्ट्रेट इस तरह से देखिए कितना सिंपल स्ट्रक्चर है। लेकिन मैंने कहा था ना आपको, जब भी कोई किंगडम को हम क्लासीफाई करने लगते हैं तो हमें बॉडी डिज़ाइन के हिसाब से देखना होता है। सीलेंटेरेटा के केस में जो एनिमल्स थे वो थोड़े ज़्यादा डिफाइंड थे, वाटर लिविंग एनिमल्स थे। इसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर दो तरह के सेल्स हमें मिले, एक थे जो बॉडी की बाहरी तरफ को बना रहे थे और एक थे जो इनर लाइनिंग को क्रिएट कर रहे थे। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ अगर आपको क्लैरिटी आ रही है। यहाँ पर आप देखो, ये रहा, दिस इज़ द आउटर लाइनिंग एंड दिस इज़ द इनर लाइनिंग। तो देखिए आपको दिख रहा होगा ये दो लाइनिंग है। अब है क्या, ये बाहर की सेल्स की एक लाइनिंग है, एक अंदर की लाइनिंग है। पहले तो ये इसकी डिज़ाइन है। दूसरा, कुछ स्पीशीज सीलेंटेरेटा की ऐसी थी जो कॉलोनी में रहती थी, यानी कि अकेली नहीं रहेगी, ये ग्रुप्स में रहेगी। कई बार होता है ना, कुछ लोग अकेले मन नहीं लगता है कि ग्रुप में रहेंगे, हम तो फ्रेंड्स के साथ रहेंगे, वैसे ही इस केस में भी होता है। तो ऐसे जो ग्रुप्स में रहते थे उन्हें बोला जाता था कोरल्स, ठीक है। तो कोरल एक एग्जांपल है, आप याद रखना सीलेंटेरेटा में। एंड कुछ ऐसे सॉलिटरी यानी कि अकेले भी रहते हैं, जैसे कि
हाइड्रा। हाइड्रा का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा जेलीफिश या सी एनिमल भी इसी के एग्जाम्पल है। एक बार फिर से हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सीलेंटेरेटा, सीलेंटेरेटा का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हॉलो कैविटी है, थोड़ा डिफाइंड बॉडी डिज़ाइन होता है, दो सेल लेयर होती है, एक आउटर एक इनर। इसके अलावा कुछ ग्रुप्स में होते हैं जिन्हें कहते हैं कोरल्स, कुछ सिंगल होते हैं जैसे कि हाइड्रा, सी एनिमल, जेलीफिश, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। सो अगर आप हाइड्रा को समझना चाहते हैं, इस पिक्चर में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक कैविटी देखने को मिल रही है जो है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये कैविटी इसका एक तरह से आप समझ सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर ये डाइजेशन करता है। तो ये खाली रहता है, एक सेकेंड, ये खाली रहता है। इसकी जो आपको ये दिख रही हैं आर्म्स, इसमें ढेर सारे आपको टेंटिकल्स दिख रहे हैं और इसके ऊपर कुछ स्टिंगिंग सेल्स भी हैं जो काटते हैं। इसके अलावा टेंटिकल्स की प्रेजेंस सी एनिमल में भी दिखती है जिससे ये अटैक करने वाले ऑर्गेनिज्म से बच के रहता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे हाइड्रा में माउथ भी दिख रहा होगा जहाँ से ये फूड खाएगा और डाइजेशन कहाँ करेगा, अपने गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर। ठीक है, अब इसकी जो लेयर दिख रही है सेलुलर एपिडर्मिस मीसोग्लिया, ये बहुत डिटेल में नहीं आएगी, आप बेसिकली स्ट्रेस करिएगा इसके एग्जांपल्स को लर्न करने में या फिर सीलेंटेरेटा पे एक शॉर्ट नोट आ सकता है। नाउ लेट अस मूव टू प्लेटीहेलमिंथ। प्लेटीहेलमिंथिस के केस में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और इजिली लर्न हो जाएगा। आप इस केस में बस फ्लैट वर्म्स को याद रखिएगा। मैं फिर से बता रही हूँ आपको, अगर आपने कभी फ्लैटवर्म्स देखे हैं, मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाती हूँ। अगर आपने कभी फ्लैटवर्म्स नहीं भी देखे हैं तो यहाँ पर देखिए फ्लैटवर्म्स के जो एग्जांपल्स हैं। अब इन वर्म्स को ध्यान से देखिए और अब हम चलते हैं टॉपिक पे। नाउ ये जो ऑर्गेनिजम्स थे, ये जो एनिमल्स थे, इनकी बॉडी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से डिज़ाइंड थी। इनके अंदर जो फीचर्स आपको एग्जाम में याद रखने हैं, हूबहू ऐसे लिखना है। पहला पॉइंट कि इनकी जो बॉडी डिज़ाइन है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। दूसरा, ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं। इसका सिंपल एक ही मीनिंग है कि इनकी बॉडी का लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल एक जैसा है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये आपका है फ्लैट वर्म, अगर मैं इसकी बॉडी डिज़ाइन को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करूँ तो दोनों एक जैसे हैं। तो ये क्या हुआ, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। दूसरा वर्ड आपको याद रखना है कि ये तीन लेयर ऑफ सेल्स से बना है और यही तीन लेयर ऑफ सेल्स आगे जाके टिश्यू बना देती है। इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बॉडी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स। नाउ ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, यानी कि इसकी जो बॉडी है वो तीन लेयर ऑफ सेल्स से बनी है। इससे क्या होगा, इसी जो लेयर्स हैं सेल्स की, अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स बनेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि इसके अंदर कोई ऐसा जो बॉडी कैविटी नहीं है, कोई ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी नहीं है जिस तरह से हमें बाकी जगहों पे कैविटीज़ देखने को मिल रही थी सीलेंटेरेटा में, पॉरीफेरा में, जिनसे प्रॉपर तरीके के ऑर्गन्स बन सके। अब इनकी बॉडी किस तरह की होती है, ये होती है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। तो आपने ये फ्लैट वर्म देखा, अब बिल्कुल फ्लैट लग रहा है कि नहीं। सेकंड वाला देखिए, ये भी फ्लैट है। तीसरा देखिए, टेप वर्म, ये भी फ्लैट है। तो इसकी बॉडी कैसी होगी, फ्लैट होगी, और वो भी कैसे, डॉर्सो वेंट्रली। डॉर्सो मतलब होता है टॉप से लेके बॉटम तक, टॉप से लेके बॉटम तक इट इज़ वेरी फ्लैट। नाउ ये दो तरह के से होते हैं, फ्री लिविंग और पैरासिटिक। या तो ये फ्रीली रहते हैं या फिर पैरासिटिक, खून चूसते रहते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। इसके कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं जो स्पेसिफिकली फ्री लिविंग हैं, वो हैं प्लेनेरिया और कुछ पैरासिटिक लाइक लिवर फ्लूक। तो यहाँ पे आप देखिए, फ्री लिविंग का एग्जांपल प्लेनेरिया ये रहा, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसकी आईज़ हैं, ये इसका फेरिंग्स है, ये इसका माउथ है, और फिर इसका एनस है। फिर सेकेंड है लिवर फ्लूक जो है पैरासिटिक। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि इसकी माउथ है, एसिटाबुलम है उसके बाद, और ये इसका फ्लैट बॉडी का डॉर्सो वेंट्रली स्ट्रक्चर है। इसके अलावा टेपवर्म भी इसी का एग्जांपल है। यहाँ पर एक सकर नेक दिख रही है जिससे ये खून चूसता रहता है, फूड खाता रहता है। ठीक है, नाउ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, जो है निमेटोड। निमेटोड जो होते हैं वो भी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लो ब्लास्टिक होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी फ्लैट नहीं होती है, इसलिए आप इसको फ्लैट वर्म्स कभी भी नहीं कहेंगे। ठीक है, अब इनकी बॉडी फ्लैट नहीं होती है तो कैसी होती है, सिंपल, इट इज़ सिलेंड्रिकल इन शेप। यानी कि आपको ये पिक्चर में दिख रही होगी इसकी बॉडी किस तरह की है, सिलेंड्रिकल शेप की है। इनके अंदर कोई रियल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, कोई बॉडी की कैविटी नहीं है, बल्कि एक तरह की एक टाइप की बॉडी कैविटी है जिसे कहते हैं सूडोसिलोम। सूडो मतलब सिंपल ही होता है फॉल्स, मतलब रियल नहीं है वो।
ठीक है। अब ये ज़्यादातर पैरासिटिक होते हैं जो कई सारी डिजीज़ेस कर देते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, और ज़्यादातर अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिकली एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ एस्केरिस का डायग्राम दिया है। एस्केरिस में दो होते हैं देखो, एक मेल और एक फीमेल, यानी कि एक मैन होता है और एक लेडी होती है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये फाइलेरिया के वर्म्स हैं, इनसे फाइलेरिया बीमारी हो जाती है। इन वर्म्स से जो फाइलेरियल वर्म्स हैं इससे एलिफेंटियासिस डिजीज़ हो जाएगी, ओके। और इन वर्म्स का नाम क्या है? एस्केरिस। अब आपसे ये पूछा जाएगा एलिफेंटियासिस किससे होता है? फाइलेरियल वर्म से। इसके अलावा आप क्या याद रखेंगे? एस्केरिस। एस्केरिस किसका एग्जांपल है? आप नेमेटोड का। वुशरेरिया किसका एग्जांपल है? नेमेटोड्स का। अब इंटेस्टाइन में किस तरह के वर्म्स होते हैं? हमारे इंटेस्टाइन में राउंड वर्म्स या फिर पिन वर्म्स होते हैं। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि वुशरेरिया जो है उससे कौन सी डिजीज़ होती है। चलिए, लेट अस कम टू एनेलिडाज। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इजी है। इसके जितने भी आपको नीचे पिक्चर में डायग्राम्स दिख रहे हैं, नीरेस, अर्थवर्म, लीच, इन सब में आपको देखो कितनी सारी लाइनें बनी हुई हैं, इनकी बॉडी में कितनी सारी लाइनिंग वाला डिज़ाइन है। बल्कि ना हमें प्लेटीहेलमिंथिस में ये डिज़ाइन दिखी, ना नेमेटोड्स में दिखी। नेमेटोड्स क्या थे? सिलेंड्रिकल वाले वर्म्स थे। तो एनेलिड्स आखिर क्या हैं? एनेलिड्स के लिए आप एक शब्द याद रखना, ये सेगमेंटेड वर्म्स होती हैं। सबसे कॉमनली आपने आज तक जो वर्म देखा है वो है अर्थवर्म, जो बारिश के समय बाहर मिट्टी में घूम रहा होता है, या लीच देखी होगी आपने। तो ये दोनों जो सबसे कॉमनली पाए जाते हैं, इन्हीं को एनेलिड्स कहा जाता है। इनकी बॉडी भी देखो बायलेटरिकली सिमेट्रिकल होती है, यानी कि अगर मैं दो पार्ट्स में देखूँ तो राइट और लेफ्ट एक जैसा होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी कि तीन लेयर ऑफ सेल से ये बनता है। एंड ऑल्सो दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी, इनके अंदर एक ट्रू बॉडी कैविटी होती है। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रू बॉडी कैविटी होगी तो उसके अंदर ढेर सारे ऑर्गन्स भी डेफिनेटली होंगे। नाउ इस तरह का इतना डिटेल्ड स्ट्रक्चर होना, आपको पता है अर्थवर्म का मुंह भी होता है, फेरिंग्स भी होता है, फूड पाइप भी होता है, इंटेस्टाइन भी होती है जैसे हम सब की बॉडी में होता है, स्टमक होता है। तो आप सोचिए किसी के इतनी सी अर्थवर्म के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, तो यानी कि वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी है इनकी, इसीलिए इन्हें इतने पीछे रखा जाता है सीक्वेंस में। इसके अलावा इनकी जो स्ट्रक्चर होती है पूरी की पूरी बॉडी की, इट इज़ सेगमेंटेड। अगर ये एक वर्म है इसके ऊपर ढेर सारे आपको सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, हेड से लेके टेल तक। ज़्यादातर ये पानी में पाए जाते हैं और कई टाइम इट दे आर बोथ इन लैंड एंड वाटर। एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अर्थवॉर्म्स और लीचेस। इसके एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, नीरेस, अर्थवॉर्म एंड लीच। चलिए अब हम चलते हैं आर्थ्रोपोडा पे। आर्थ्रोपोडा के केस में याद कैसे रखना है आपको? आर्थ्रोपोड्स होते हैं जिनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं, ठीक है, जिनकी लेग्स में जॉइंट्स होते हैं। आप ये वाली पिक्चर देखिए, आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। अगर आप एक कॉकरोच को देखेंगे तो उसकी जो लेग्स होती हैं बच्चों, अगर ये कॉकरोच है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो लेग्स हैं आपस में देखिए, ये घुटना है ना इसका, तो ये जॉइंटेड लेग्स हैं, फ्लैट लेग्स नहीं है, लंबी एकदम से, ठीक है। तो आर्थ्रोपोड जो होते हैं, ये वर्ड वहीं से आया था। और एक चीज़ बता दूँ, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो सबसे बड़ा ग्रुप एनिमल्स का कौन सा है, तो वो आर्थ्रोपोड्स ही होता है। ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि राइट लेफ्ट एक जैसा होता है। इसके अलावा ये भी सेगमेंटेड होते हैं, इनकी बॉडी पे भी इस तरह से सेगमेंट्स होती हैं। इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसीलिए इनके अंदर ब्लड फ्लो नहीं होता। अब आप कहेंगे मैम ब्लड नहीं फ्लो होता तो ये ज़िंदा कैसे रहते हैं? देखिए, हम लोगों के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो ब्लड वेसल्स में होता है, या तो हमारी बॉडी में आर्टरी के अंदर ब्लड होगा, या वेन के अंदर होगा, या कैपिलरी के अंदर होगा। इनकी बॉडी में क्या होता है आर्थ्रोपोड्स की, इनकी बॉडी में कुछ वेसल्स तो होती हैं लेकिन एक ओपन बॉडी कैविटी होती है। हमारी बॉडी में क्या होता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का ब्लड हार्ट में जाता है, हार्ट से पूरी बॉडी में फिर से इन वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है। लेकिन आर्थ्रोपोड्स में ऐसा नहीं है, अगर किसी कैपिलरी से ये ब्लड आ रहा है या आर्टरी से आ रहा है तो पूरी की पूरी बॉडी में जाके धड़ाम ऐसे गिर जाता है। और इसी के अंदर देखिए इसकी पॉटी भी मिल जाएगी, अगर आपको बुरा लग रहा है ये वर्ड तो, ठीक है, जो भी खाएगा पिया सब खाना भी हो गया, इसका एक्सक्रीशन भी हो गया, सब कुछ एकदम से मिक्स हो जाता है, इसीलिए इसका ब्लड कभी भी रेड नहीं होता। आप कभी भी इस कीड़े को कॉकरोच को मारोगे आपको रेड ब्लड नहीं दिखेगा, इसीलिए, क्योंकि इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसके अलावा जो सिलोमिक कैविटी होती है उसके अंदर ब्लड फिल्ड होता है, बट हाँ ब्लड का कलर आपको रेडिश नहीं मिलेगा। इनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं। इसके एग्जाम्पल्स आपको क्या याद रखने हैं, प्रॉन्स, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, स्पाइडर, स्कॉर्पियंस और क्रैब्स। इसके अलावा यहाँ पिक्चर में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप कर सकते हो। हाउस फ्लाई के लिए यहाँ मुस्का जो है वो वर्ड यूज़ किया गया है। कॉकरोच की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है वो है पेरीप्लेनेटा, वो भी लिखी गई है। सेंटीपीड की स्क्रोपेंड्रा लिखी गई है। तो ये सारी इनकी स्पीशीज़ हैं,
ठीक है, जो सबसे कॉमनली मिलती हैं। नेक्स्ट आते हैं मोलस्का पे। मोलस्का भी एक एनिमल्स का ग्रुप है और यहाँ पर अब आ जाइए समुद्र के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको जो समुद्र में मिलते हैं वो दिखेंगे। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि अगर मैं इस ऑक्टोपस को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करूँ तो राइट और लेफ्ट एक जैसा होगा। इनकी सिलोमिक कैविटी अब छोटी हो चुकी है, इनके अंदर सेगमेंटेशन घट गया है। आपको देखो ऑक्टोपस में कोई सेगमेंटेशन दिख रहा है? नहीं, लेकिन उसके पैरों में दिखेगा आपको इस तरह से। तो सेगमेंटेशन तो अभी भी है लेकिन कम है। इनका भी सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, यानी कि ब्लड इनकी बाकी सारी चीज़ों से मिक्स्ड होगा। इसके अलावा किडनी लाइक ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए, यानी कि कुछ ऑर्गन्स हैं। फिर इनके अंदर इनके पैर भी होते हैं जो इनको चलने में मदद करते हैं। अब मोलस्का का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्नेल एंड मसल्स। इसके अलावा यहाँ पे और भी दिए गए हैं, चिटोन, ऑक्टोपस, पाइला, यूनियो। तो इसको आप याद रखिएगा, मेन क्या याद रखना अपना, स्नेल और मसल्स। नेक्स्ट एकिनोडर्मेटा। एकिनोडर्मेटा जो है ये थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आती है करने में, आपको लर्न कैसे रखना है। एकिनो का मतलब क्या होता है? हेजहॉग अपीयरेंस होना। और डर्मेटा का मतलब क्या होता है? स्किन। अब इसका सिंपल मतलब क्या है? एकिनोज में हेजहॉग का मतलब सिंपली ये है, देखिए स्पाइनी स्किन्ड, यानी कि किसी के शरीर पे कांटे से हो, उसको कहते हैं एकिनोडर्मेटा। डर्मेटा मतलब डर्मिस, यानी कि स्किन के ऊपर। ये ज़्यादातर फ्री लिविंग होते हैं, ये पानी में फ्रीली रहते हैं और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि थ्री लेयर ऑफ सेल्स से बने हैं। इसके अलावा इनके अंदर सीलोमिक कैविटी, यानी कि सीलोम मतलब कैविटी होता है, एक एम्प्टी कैविटी होती है। और इसके अंदर वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम होता है, यानी कि वाटर के थ्रू कोई भी चीज़ बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इनके ऊपर एक हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट की स्ट्रक्चर होती है, जो इनका स्केलेटन होता है उसी से बना होता है। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं आप याद रखिएगा, दे आर स्टार फिश एंड सी अर्चिन्स। इसके अलावा आपको जो पिक्चर में दिख रहे हैं वो हैं सी क्यूकम्बर, मतलब समुद्र का खीरा, वैसा ही दिखता है खीरे जैसा, होलोथूरिया, फेदर स्टार, एंटीडॉन, एकिनस, सी अर्किन, एस्टेरियस, स्टारफिश। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? एकिनोडर्मेटा। आपने एक चीज़ और देखी होगी, ये रेडियली सिमेट्रिकल है, यानी कि आप अगर इसको डिवाइड करो हर तरह से एक जैसा है, अगर आप स्टार को भी करो तो एक जैसा है, इसे कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल होना। नेक्स्ट है प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा, अब ये ऑर्गेनिजम्स आखिर हैं क्या? दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और इनके अंदर भी एक सिलोम होती है, सिलोम मतलब एक कैविटी। इसके अलावा इनके अंदर बॉडी डिज़ाइन थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि हम आगे बढ़ चुके हैं। और जैसे जैसे शरीर का बॉडी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होगा, इनके अंदर क्या पाई जाएगी? नोटोकॉर्ड। नाउ नोटोकॉर्ड किसे कहते हैं? जिससे हमारी देखिए स्पाइनल कॉर्ड बनी है, नोटोकॉर्ड ही होती है वो भी। तो यहाँ पर बॉडी इनकी जो प्रोटोकॉर्डेटा होते हैं, इनकी जो लाइफ है उसकी कुछ स्टेजेस में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। नोटोकॉर्ड आखिर है क्या, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। नोटोकॉर्ड इज़ अ लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट रन्स एट द बैक ऑफ द एनिमल, सेपरेटिंग द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द गट। एक सेकेंड, मैं आपको इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये होता क्या है, हमारी भी देखिए जो बॉडी है उसमें जो नोटोकॉर्ड होती क्या करेगी, इससे बहुत सारी मसल्स आके अटैच होंगी, ठीक है, और मूवमेंट में मदद मिलती है। सो जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं, प्रोटो का मतलब क्या है? समटाइम्स, और कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड का होना। सो हो सकता है प्रोटोकॉर्डेट्स के पास प्रॉपर नोटोकॉर्ड लाइफ की हर स्टेज पर ना हो, या फिर बॉडी की पूरी लेंथ पर ना हो। अब प्रोटोकॉर्डेट्स में कौन आते हैं? कुछ मरीन यानी कि समुद्री एनिमल्स आते हैं, जिसे कहते हैं बैलेनोग्लॉसिस, हर्डिमेनिया एंड एम्फियोक्सिस। तो ये रहा ऑर्गेनिज्म, इसकी पिक्चर आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा ये एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं हम सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पे, जो है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट जिसमें हम भी आते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं ये इनके पास एक ट्रू वर्टिब्रल कॉलम होता है, जैसे हमारी बॉडी में भी होता है ना वर्टिब्रल कॉलम, इन्हें वर्टिब्रेटा कहते हैं। और इनके अंदर एक स्केलेटन पाया जाता है जिससे ढेर सारी मसल्स आके अटैच करती है। आपको पता ही होगा हमारी बॉडी में ये रही रिब्स, फिर उसके बाद ये रहा स्केलेटन। सो इस तरह से हमारी बॉडी होती है। तो अब ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, यानी कि अगर आप दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो सेम होंगे, सिलोमिक यानी कि कैविटी भी होगी, और अगर सिलोमिक हुआ तो डेफिनेटली ऑर्गन्स भी होंगे। तो हमारी बॉडी में भी कैविटी होती है कि नहीं, उसके अंदर ढेर सारे ऑर्गन्स पड़े होते हैं, किडनी होती है, स्टमक होती है, हार्ट होता है, सब कुछ होता है, सेगमेंटेड होते हैं। इसके अलावा और क्या क्या
कॉर्डेट्स के अंदर फीचर्स होते हैं, जो भी कॉर्डेट्स हैं यानी कि जिनके अंदर वर्टेब्रल कॉलम है उनमें क्या क्या होता है, ये आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। आप इसको लर्न कर लीजिएगा। मैं मार्क कर देती हूँ कि नोटोकॉर्ड्स के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी विल गो वन बाय वन। सबसे पहले उनके अंदर एक नोटोकॉर्ड होती है, जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनकी एक हड्डी होगी, रीढ़ की नोटोकॉर्ड होगी, इनकी एक डॉर्सल नर्व कॉर्ड होगी, और इनके अंदर एक जो स्ट्रक्चर है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, यानी कि थ्री लेयर ऑफ सेल्स से बनेगा। इनके जो गिल पाउचेस होंगे वो जोड़ों में होंगे, और ये सिलोमेट यानी कि इनके अंदर सिलोम कैविटी होगी। अब जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी भी पांच क्लासेस होती हैं, उनको भी हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले आती है पाइसिस। पाइसिस मतलब समझ रहे हो ना, पाइसिस एक राशि, एक जोड़ियक भी है, जैसे कि फ़िश हो गई, फ़िश इसमें आती है, ये वाटर लिविंग होती है। इनकी स्किन पे स्केल्स होते हैं, आपको पता ही होगा फ़िश के ऊपर स्केल्स होते हैं, आपने देखी होगी। ये वाटर से ऑक्सीजन लेती है, बट किसकी हेल्प से, इट टेक्स विद द हेल्प ऑफ गिल्स। इनकी एक मस्कुलर टेल होती है मूवमेंट करने के लिए। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और इनके हार्ट जो होते हैं उनके दो चेंबर्स होते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आप याद रखिएगा। देयर आर टू चेंबर्स इन देयर हार्ट। कोल्ड ब्लडेड का आप मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब होता है कि ये लोग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के हिसाब से रेगुलेट नहीं कर पाती, अपने बॉडी के खुद के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जब कोल्ड वेदर आता है थोड़े से स्लो मूवमेंट करते हैं, कम काम करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये एग्स देंगी, जो फिशेज होंगी वो क्या देती हैं, एग्स देती हैं। और इसके अलावा इनके जो स्केलेटन होते हैं, कहा जाता है कि एंटायरली कार्टिलेज के बने होते हैं कुछ के, जैसे कि शार्क हो गई, और कुछ के बने होते हैं बोन और कार्टिलेज का मिक्सचर, जैसे कि टूना फिश और रोहू फिश। नाउ इसके एग्जांपल्स आप देख लीजिए, जो मैंडारिन फिश है कितनी सुंदर है देखिए, इसके अलावा एंजुलर फिश है, लायन फिश है। इसके स्पीशीज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इतना डिटेल नहीं पूछेंगे आपसे। पाइसिस में और भी एग्जांपल्स है देखिए, इलेक्ट्रिक रे, इसके अलावा स्टिंज रे, और इसके अलावा स्कॉलीजॉन। अगर आपको इलेक्ट्रिक रे और स्टिंज रे देखनी है फिश, तो द लिटिल मोमेंट एक कार्टून शो आता है, अगर आप देखेंगे तो उन दोनों में ये दोनों विलन्स होते थे। चलिए इसके अलावा यहाँ पर फिशेज हैं देखिए, रोहू फिश है, सी हॉर्स भी दिया हुआ है, और इसके अलावा फ्लाइंग फिश दी हुई है, और फिर उसके बाद जो रियल में मछली होती है जैसे एनाबस होती है, वो बहुत ही फिश है जो एक्वेरियम से बहुत देखी जाती है, फिश एक्वेरियम्स में। ओके चलिए, नाउ लेट अस मूव टू एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो होते हैं वो फिश से थोड़े अलग होते हैं, उनके ऊपर कोई स्केल्स नहीं होते, इनके अंदर म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि इनकी स्किन से हर वक्त म्यूकस चिपचिपा सा कुछ स्टिकी सा निकला रहता है। इनका जो हार्ट होता है उसमें तीन चेंबर्स होते हैं, ये सांस कैसे लेते हैं, या तो गिल्स से या फिर लंग्स होती हैं इनके अंदर, जैसे हमारे अंदर लंग्स होती हैं। ये अंडे देते हैं, एंड ये पानी और लैंड दोनों पे होते हैं, इसीलिए इन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है। एम्फीबियन का मतलब ही यही होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पानी और लैंड दोनों पे रहें। इसका एग्जांपल है फ्रॉग्स, टोड्स और सेलामेंडर्स। इसके देखिए यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं सेलामेंडर की। अब अगर आप अच्छे से इसको लर्न करना चाहते हैं तो एम्फीबियंस के बारे में आप नेशनल ज्योग्राफिक पे गूगल करके, यूट्यूब करके देख सकते हैं, आपको और मज़ा आएगा। टोड्स और जो कॉमन फ्रॉग है उसकी सबसे कॉमन स्पीशीज़ है राना टिग्रीना, वो दी हुई है। इसके अलावा ट्री फ्रॉग दिया हुआ है। चलते हैं आगे, जो नेक्स्ट इज़ रेप्टीलिया। ये एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं। रेप्टाइल्स आपने देखे होंगे, जैसे छिपकली होती है, इनके ऊपर स्केल्स होते हैं, ये लंग्स से ब्रीथ करते हैं, इनका भी हार्ट तीन चेंबर्स वाला होता है, लेकिन क्रोकोडाइल ऐसा है जिसके चार चेंबर्स होते हैं, ये आप याद रखना। इसके अलावा ये एग्स देते हैं, और उस एग्स जो होती हैं उनकी बहुत ही टफ कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है, ताकि उनको कोई हार्म ना हो, वो अच्छे से एग से बाहर अपने टाइम में आ सके। इनको अंडे पानी में देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो एम्फीबियंस होते हैं वो पानी में अंडे देते हैं। यहाँ पर एग्जांपल आपको क्या क्या याद रखना है, स्नेक्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल्स। ये बहुत इजी था। चलते हैं हम आगे, जो है एव्स। एव्स वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। अगर बहुत ठंड हो जाए तो बॉडी को गर्म कर लेते हैं, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो बॉडी को ठंडा। इनके भी हार्ट में चार चेंबर्स होते हैं जैसे हमारे होते हैं, ये एग्स देती हैं, और इनकी बॉडी जो होती है वो पंखों से घिरी होती है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, एव्स है क्या, ये एप नहीं है। एव्स मतलब होता है वो सारे ऑर्गेनिज्म, सारे एनिमल्स जिनके ऊपर पंख हैं, यानी कि बर्ड्स हैं, ठीक है। तो सारी बर्ड्स एव्स के अंडर आती हैं। इसके एग्जांपल्स आप देख लो, वाइट स्टॉर्क हो गई,
इसके अलावा मेल टफेट डक हो गई, ऑस्ट्रिच हो गई, पिजन, स्पैरो, क्रो, जितने भी उड़ने वाले आप पक्षी देख रहे हैं ये सारे के सारे किस में आते हैं, दे कम अंडर एव्स। लास्ट आते हैं हम मैमिलिया पे, जो है हम। फाइनली हम अपने ऊपर पहुंच गए हैं, हम हैं वार्म ब्लडेड, यानी हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड हो तो अपनी बॉडी से क्या करते हैं, हम हीट रिलीज़ करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो हम क्या करते हैं, पसीना आने लगता है, पसीने के थ्रू हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। तो ये सब हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हम वार्म ब्लडेड हैं। हमारा हार्ट 4-chambered होता है। और मैमिलिया को मैमल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो फीमेल्स होती हैं इनके पास मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि ब्रेस्ट होती है जिससे मिल्क प्रोड्यूस होता है और वो उस मिल्क को अपने बेबी को पिलाती है। सो ऐसे फीमेल्स जिस एनिमल्स में होती हैं उन्हें कहते हैं मैमिलिया। इनकी बॉडी पे हेयर होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं, और ये यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, अंडे नहीं देते हैं। हाउएवर उनमें से कोई एक्सेप्शन है, जैसे कि प्लैटिपस और एकिडना जो अंडे देते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए वो कौन सा मैमल है जो अंडे देता है, तो आपको याद रखना है ये एग्जाम्पल, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट, लाइक कंगारूज जो होते हैं वो अंडे नहीं देते, बट वो यंग वंस को बर्थ देते हैं। नाउ ये रही मैमिलिया की पिक्चर्स। मैमल्स में कौन कौन आता है, हम, ह्यूमंस, कैट्स, रैट्स, बैट, ठीक है, सब कुछ तो है यहाँ पे। वेल हो गई, बैट हो गया, बैट खा के जिससे सबको कोरोना हो रहा है ना, स्पेशली चाइनीज़ ने खाया। नाउ इसके बाद लास्ट में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ दिया है जो पूरे चैप्टर का सार है, सार इन अ सेंस नॉट समरी एग्जैक्टली, बट आखिरकार हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट वी आर रीडिंग। कैरोलस लीनियस जो थे, ये देखिए सच अ हैंडसम मैन, सो कार्ल्स लीनियस ही वॉज बॉर्न इन स्वीडन और एक डॉक्टर थे। इन्होंने प्लांट्स की स्टडी करी क्योंकि इन्हें बहुत इंटरेस्ट था। 22 साल की उम्र में इन्होंने पहला पेपर जो था वो पब्लिश करवा लिया था प्लांट पे, जो इन्होंने रिसर्च की थी। अब जब ये फिजिशियन थे और इस समय जब इन्होंने प्लांट्स की स्टडी करी, इन्होंने उसके बाद 14 पेपर्स पब्लिश किए अपनी फेवरेट, फिर इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी जिसे कहते हैं सिस्टम ऑन नेचर। सो ये बुक का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इन्होंने लिखी थी कार्ल्स लीनियस ने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था प्लांट्स के लिए। सो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देखना है कि क्या था। नाउ एनिमल्स के बारे में एक फ्लो चार्ट दिया है बहुत ईजी करने के लिए, जितना भी हमने एनिमल अभी तक पढ़ा, कि एनिमल्स जो होते हैं वो दो तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक सेलुलर लेवल पे, यानी कि नॉर्मली क्या होता है, सेल, सेल के ग्रुप से क्या बनता है, टिश्यू, सेल के ग्रुप से टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। सो कुछ जो होते हैं यहीं पर अटक जाते हैं सेलुलर लेवल पर, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पॉरीफेरा। नेक्स्ट है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेल्स का ग्रुप है और वो सारे सेल्स क्या कर रहे हैं, सिमिलर फंक्शन कर रहे हैं, और इसीलिए सिमिलर स्ट्रक्चर फंक्शन की वजह से इन्हें टिश्यू बोल सकते हैं। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो टिश्यू बना चुके हैं उनको भी हम क्लासीफाई करते हैं। कुछ जो हैं ऐसे जिनके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है उन्हें कहते हैं सीलेंटेरेटा और प्लेटीहेलमिंथस। कुछ के अंदर सूडोसिलोम, यानी कि एक फॉल्स कैविटी होती है, एग्जैक्टली कैविटी नहीं होती है, उन्हें कहते हैं नेमेटोड्स। कुछ के अंदर प्रॉपर कैविटी होती है जिसे कहते हैं सिलोमेट्स। नाउ ये जो सिलोमेट्स होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, कुछ एंडोडर्म, यानी कि देखिए तीन लेयर्स होती है ना ट्रिपलोब्लास्टिक में, मैंने कहा था एक्सोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तो इसे कहते हैं ट्रिपलोब्लास्टिक, जिसके अंदर ये तीनों डर्मल लेयर्स होती हैं। कुछ जो डर्म एंडोडर्म से बनते हैं उनके अंदर अगर नोटोकॉर्ड होगी, नोटोकॉर्ड समझ रहे हो ना आप, मैंने वो ऑलरेडी बता दिया है, अगर इनके अंदर नोटोकॉर्ड होगी तो उन्हें कहेंगे कॉर्डेट्स, अगर नोटोकॉर्ड नहीं होगी उन्हें कहेंगे एकिनोडर्मेटा, ओके। अब कुछ मीजोडर्मल सेल से बनेंगे उन्हें कहेंगे एनेलिड्स, मॉलस्क और आर्थ्रोपोड्स। नाउ जो कॉर्डेट्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, अगर इनकी नोटोकॉर्ड जो है कुछ टाइम के बाद जब वो बड़े हो जाएं तो वर्टेब्रल कॉलम में बदल जाएगी, उन्हें कहते हैं वर्टिब्रेट्स, जिसमें हम भी आते हैं। कुछ के अंदर नोटोकॉर्ड रहती तो है बट सिर्फ कुछ स्टेजेस में, लाइफ की कुछ स्टेजेस में बहुत ही रूडिमेंट्री और चली जाती है, उन्हें कहते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। अब वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो भी कई तरह की कैटेगरीज में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमिलिया, जिसे मैं ऑलरेडी डिटेल में करा चुकी हूँ। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का जो है नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर मतलब होता है किसी भी एनिमल को या ऑर्गेनिज्म को उसकी नेमिंग देना। द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग और नॉमनक्लेचर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लीनियस इन द 18th century। तो जो जिनके बारे में अभी पढ़ रहे थे उन्होंने ही ये नॉमनक्लेचर दिया था कि कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम हम दे सकते हैं। इसके कुछ क्राइटेरिया थे,
द नेम ऑफ द जीनस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. सो दिस कम्स फॉर 5 to 6 मार्क्स. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है इसे कि जीनस का जो नेम होता है वो कैपिटल लेटर से ही हमेशा शुरू होता है. जो स्पीशीज़ का नाम है वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है. ठीक है, जीनस का नाम कैपिटल से, स्पीशीज़ का स्मॉल लेटर से. जब हम प्रिंट करेंगे तो साइंटिफिक नेम जो है हमेशा इटैलिक्स में होना चाहिए. और जब हम हाथों से लिखेंगे तो जीनस का नेम और स्पीशीज़ का नेम को हम अलग अलग अंडरलाइन करेंगे. फॉर एग्जांपल, हमने अभी पढ़ा था फ्रॉग के बारे में, जिसकी स्पीशीज़ थी राना टिग्रीना. अगर मैं हाथों से इसे लिख रही हूँ तो ये क्या है, राना तो उसका जीनस है, टिग्रीना उसकी, एक सेकेंड मैं आपको वहाँ जाके दिखाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए. ओके, ये रहा. सो दिस इज़ अ फ्रॉग. फ्रॉग की स्पीशीज़ का नाम क्या है, राना टिग्रीना. राना इज़ अ जीनस, तो जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी. टिग्रीना इज़ अ स्पीशीज़, तो टिग्रीना को हमेशा हम टी जो है वो स्मॉल लेटर में बनाएंगे. अगर हम हाथों से लिख रहे हैं तो इसको अंडरलाइन करेंगे दोनों वर्ड्स को. अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं तो इटैलिक्स में होना चाहिए. सिंपल सा है, बहुत ईजी है, आपको समझ आ गया होगा. मैं आपको इसके क्वेश्चंस और एक्सरसाइज भी करा दूंगी अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाइए, अपने सारे क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.